नमस्ते बच्चों टुडे विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर नाइन दैट इज ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है सो विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर फिफ्टी सिक्स एंड हियर यू कैन सी द फर्स्ट अभ्यास दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सो यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट वन दोनों मित्रों के नाम क्या थे सो द मीनिंग इज वॉट इज द नेम ऑफ बोथ फ्रेंड्स खा निखिल ने ईश्वर के बारे में क्या कहा मीनिंग इज वॉट डिड निखिल से अबाउट गॉड गा निखिल का सिर कैसा था हाउ वॉज निखिल्स हेड घा दोनों मित्रों ने कहाँ आराम किया दैट मीन्स वेर डिड द टू फ्रेंड्स टू क्रेस्ट गा प्रश्न गौरव ने अंत में ईश्वर के बारे में क्या कहा दैट मीन्स एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वॉट डिड गौरव से अबाउट गॉड लेट्स चेक द फर्स्ट वन दोनों मित्रों के नाम क्या थे सही उत्तर दोनों मित्रों के नाम निखिल और गौरव थे खा निखिल ने ईश्वर के बारे में क्या कहा सही उत्तर है निखिल ने कहा कि ईश्वर की रचना त्रुटिपूर्ण है गा निखिल का सिर कैसा था सही उत्तर निखिल गंजा था घा दोनों मित्रों ने कहा आराम किया सही उत्तर दोनों मित्रों ने आम के पेड़ के नीचे आराम किया गां गौरव ने अंत में ईश्वर के बारे में क्या कहा सही उत्तर है गौरव ने अंत में ईश्वर के बारे में समझाया कि ईश्वर की रचना दोषरहित है सो वी हैव कंप्लीटेड दी फर्स्ट एक्सरसाइज सेकेंड वन प्रश्न है सही या गलत का निशान लगाइए सो यू हैव टू मार्क वेदर इट्स ट्रू फॉल्स द फर्स्ट वन का तरबूजा पेड़ पर लगते हैं दैट मीन्स वाटरमेलन ग्रोज ऑन ट्री खा सूर्य ठंडक पहुंचा रहा है दैट मीन्स द सन कूल्स गा आम बेलों पर लगते हैं मीनिंग इज मैंगो ग्रोज ऑन वाइन्स घ ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है दैट मीन्स वॉट एवर गॉड ही डज इट गुड सो यू हैव टू मार्क वेदर इट्स थ्रू और फॉल्स सो लेट्स चेक आंसर्स का तरबूज पेड़ पर लगते हैं। यह गलत है खा सूर्य ठंडक पहुंचा रहा है यह गलत है गा आम बेलों पर लगते हैं। यह गलत है घ ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है यह सही है सो वी हैव कंप्लीटेड दी सेकंड वन थर्ड एक्सरसाइज प्रश्न है किसने किससे कहा दैट मींस हु सेड टू हु हियर द फर्स्ट वन इज तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो सो यू हैव टू राइट हु सेड दिस टू हु खा मेरे सिर पर वज्रपात हुआ है गा सत्य है कि ईश्वर की रचना दोष रहित है ना यू हैव टू राइट हु सेट दीज टू हु लेट्स चेक द आंसर फर्स्ट वन का तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो यह निखिल ने गौरव से कहा खा मेरे सिर पर वज्रपात हुआ यह निखिल ने गौरव से कहा गा सत्य है कि ईश्वर की रचना दोष रहित है यह गौरव ने निखिल से सो वी है थर्ड एक्सरसाइज फोर्थ वन जोड़े मिलाइएंगी ऑन वन साइड की रचना ईश्वर जो करता है घ दो मित्र निखिल और गौरव गा बड़े वृक्षों पर जामुन आदि ऑन दाइड यू कैन सी फर्स्ट वन अच्छा ही करता है सेकेंड नगर की ओर गए थर्ड छोटे फल लगा दिए फोर्थ लताओं पर उगा दिए हैं, फिफ्थ दोष रहित है नाउ यू हैव टू मैच इट लेट्स चेक दी आंसर्स सो द फर्स्ट वन ईश्वर की रचना दोष रहित है खा मोटे तथा भारी फल लताओं पर उगा दिए हैं, गा ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है घा दो मित्र निखिल और गौरव नगर की ओर गए गा बड़े वृक्षों पर जामुन आदि छोटे फल लगा दिए सो वी हैव कंप्लीटेड दी फोर्थ वन ऑल्सो नाउ द फिफ्थ एक्सरसाइज प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए दैट मीन्स फिल इन दी ब्लैंक्स सो द फर्स्ट वन का निखिल छोटा और गौरव डैश था खा तुम ईश्वर के श्रेष्ठ डैश हो गा दोषों को देखने वाला निखिल डैश था घ यह हरा भरा डैश वृक्ष है नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट वन निखिल छोटा और गौरव लंबा था ख तुम ईश्वर के श्रेष्ठ भक्त हो दोषों को देखने वाला निखिल गंजा था घ यह हरा भरा विशाल वृक्ष है सो वी हैव कंप्लीटेड फिफ्थ वन नाउ नेक्स्ट वी हैव व्याकरण बोध दैट मीन्स ग्रामर प्रैक्टिस एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित शब्दों में से पुरलिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए सो यू कैन सी हियर इन अ बॉक्स फ्यू वर्ड्स आर देयर एंड यू हैव टू सेपरेट दुरलिंग एंड स्त्रीलिंग वर्ड्स द वर्ड्स आर आदमी लड़का नौकरानी धोबिन औरत धोबी नौकर छात्रा काका लड़की बहन काकी दादा दादी छात्र भाई सो यू हैव टू सेपरेट देम नाउ लेट्स चेक द आंसर्स सो हियर पुर्लिंग एंड स्त्रीलिंग आदमी इज पुर्लिंग एंड स्त्रीलिंग इज औरत लड़का स्त्रीलिंग इज लड़की धोबी स्त्रीलिंग इज धोबिन नौकर स्त्रीलिंग इज नौकरानी, काका स्त्रीलिंग काकी दादा स्त्रीलिंग इज दादी छात्र इट्स स्त्रीलिंग इज छात्रा भाई स्त्रीलिंग इज बहन सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ व्याकरण बोध ना द सेकेंड वन इज वाक्यों में प्रयोग कीजिए सो फ्यू वर्ड्स आर देर एंड यू हैव टू मेक

That means I was surprised to see him. Ga phal. Hum phal khaate We eat fruits. Gha ishwar. Ishwar dayawan hai. That means God is kind. So we have completed the second exercise. Let's move on to the third one. Here we are talking about upsarg. Upsarg in English means prefix. So prefix. Means a letter or group of letters that are put at the beginning of a word to change its meaning. And the second one is Pratyay, that means suffix. And here, suffix means a letter or group of letters that are added at the end of the words to change its meaning. So, here in this exercise, we will be doing Upsarg means prefix, Pratyay means suffix. So in your textbook you can see the first example ka upsarg, the word is abhi, mooli shabd means main word, and the main word is man plus e which is under prate, that means suffix. And by joining upsar, shabd and prate, we get a word that is abhimani in the same way we have to do the other questions also so let's check the answers so the first one which is already given to you abhi plus maan plus e it makes the word abhimani so here abhi is upsar, that means prefix maan is the mooli word main word and pratyay e is pratyay that means suffix so by joining these three Letters or group of letters, we get the word Abhimani. Same way you have to do it for others. Kha, A plus Safal plus Ta, we get the word Asafalta. Ga, swa plus Tantra plus Ta, the word is Swatantra. Next one. Gha, Be plus Kar plus E, we get the word Bekari. So here in the place of E, we are adding the E ki matra. Next one, nga, su plus lab plus ta, the word is sulabta. Next one, cha, pari plus poorn plus ta, the word is paripurnata. So this way you have to do the third exercise. So, you have to write all the exercises in your Hindi notebook. That's all for today. We'll meet in the next class. Dhannivad.